हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23 के बारे में, जो विज्ञान की है क्लास 6 की। आज की तिथि क्या है? 24/9/2021। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बता दूँ कि लास्ट वीक के विनर का जो गिफ्ट है बच्चों, वो थर्सडे तक पहुँच जाएगा। इस वीक के जो विनर का अनाउंसमेंट है कॉन्टेस्ट का, वो क्या है, नेक्स्ट संडे तक, यानी ये जो संडे आ रहा है संडे को अनाउंस किया जाएगा। और इसके पहले के जितने भी विनर्स हैं उन सभी के जो है विनर्स की अनबॉक्सिंग जो वीडियो है गिफ्ट की, वो हमने पब्लिश की। यदि आप देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। आइए देखें इसमें क्या दिया गया। भोजन के घटक, भोजन के घटक क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, भोजन के घटकों के बारे में अगर बात करें तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, व्यास आता है, पानी और रुक्षांश आता है, ठीक है, और उसके बाद खनिज आता है, विटामिन आता है, ठीक, और क्या है आपका, इसके बाद प्रोटीन आता है। तो प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं और एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के हर भाग में पाया जाता है, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में भी, ठीक है। यानी प्रोटीन हमारे शरीर के हर भाग में पाया जाता है, चाहे वो हमारे मांसपेशियाँ हों, बाल हों या फिर त्वचा हो, ठीक है, कहीं पर भी, और हड्डी में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ग्लूकोज प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज प्रदान करता है। और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन पाए जाते हैं, वह हमारे शरीर में रख रखाव और विकास के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। इसके बाद क्या दिया गया बच्चों, खनिज। खनिज वह ठोस पदार्थ है जिसका क्या है हमारे शरीर में क्या है ठीक रूप से कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करता है। खनिज क्या करता है हमारे शरीर को ठीक रूप से जो है वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करता है। पानी और उच्छांस क्या होते हैं, तो ये हमारे शरीर में घुलने और अवशेषों को तथा शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो रुच्छांश है वो क्या करता है, जो शरीर में बिना पचे भोजन होते हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। और ये पानी क्या हमारे शरीर में भोजन को घोलने में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद क्या है, व्यास। वास, वास क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या होता है बेटा, खनिज होता है या घटक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। इसके पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, संतुलित आहार। एक आहार जिसमें क्या हो, अच्छी स्वस्थ को बनाने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा अनुपात में क्या हो चीज़ें हों, उसे बोला जाता है स्वस्थ आहार। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, व्यास, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी की अनुपात के रूप में क्या संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या हैं, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर एक क्या दिया गया बच्चों, इसमें बोला गया प्रत्येक पोषक तत्वों के भरपूर दो खाद्य क्या करें, जो आपको नीचे नाम क्या करने हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं इनके दो क्या हैं आपको एग्जाम्पल लिखने, प्रोटीन के क्या हैं दो एग्जाम्पल लिखने, और विटामिन के दो, इसी तरीके से जो है रुक्षांश के भी क्या हैं दो दो आपको क्या करने हैं उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इनका आंसर एक साथ आपको लिखा कर दिखा देता हूँ। तो बच्चों आप लिख लीजिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट में लिख लीजिए बीन्स और आलू, प्रोटीन में दूध अंडा, विटामिन में गाजर और लिख लीजिएगा शकरकंद, ठीक है, और रुच्छांश, ये रुद्धांश लिख गया है, ये रुच्छांश है पर, ठीक है बच्चों। इसका क्या है, अनाज और मेवा आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है, आखिरी वाले में। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। तो बेटा आगे आपकी प्रश्न नंबर दो क्या है, इसमें बोला गया नीचे दिए गए वस्तुओं को कुछ तस्वीर दी गई हैं, अपनी तरफ से भी कुछ भी जोड़ें, ठीक है, और नीचे दिए गए उपयुक्त स्थानों में उनके चित्र बनाकर क्या करें, संतुलित आहार की थाली बनाएं। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या है, एक तस्वीर दी गई है, ठीक है, और अपनी तरफ से भी आप कुछ जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, आपको तस्वीर बनाना है, इस जगह पे तस्वीर आपको बनानी है, क्या करनी है, इन फ़ोटोज़ को बनाना है, ठीक है। इन फ़ोटोज़ को कहाँ पर बनाओगे, यहाँ। अगर बना नहीं पाते हो बेटा तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, इस वर्कशीट को प्रिंट करवा के काट के पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अगर आप बना नहीं पाओ तो जैसे ये बटर क्या है, वास्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, आलू। इसके बाद बच्चों लेमन को यहाँ मिला दीजिएगा, ठीक है, आलू कार्बोहाइड्रेट्स में चला जाएगा और ये प्रोटीन यहाँ। तो यानी प्रोटीन में आप क्या है, दालों की फ़ोटो बनाओ, ठीक है, यहाँ पर आप नींबू की फ़ोटो बना देना, यहाँ पर आप क्या करना आलू की, यहाँ पर क्या करना वास यानी बटर की फ़ोटो बना देना। आगे आपकी कार्यपत्रिका होती है बच्चों यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।